देख रहे हैं रास्ता इस्लामाबाद पार्क दिखाई जहाँ पर और अहमा मौजूद है हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मेहर निगार उनसे पूछते हैं कि आज का पंजाब क्या है आज हवाले से हम यहाँ पर जमा हुए हैं मकसद हमारा ये है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सारी यकजहती करें और हम ये बताएं कि तहरीक इंसाफ जो कि एक ऐसी जमात है कि हादसा हमें आते ही मजदूरों के लिए किसान कदम लिए जो जो काम किए हम उसके लिए हम आगे आ खड़े हैं क्योंकि उनकी हुकूमत जाते ही आपने देखा होगा कि मजदूरों के साथ क्या उनकी दूर की बात हमारे जो हालात हैं उनकी वजह से कारखाने बंद हो रहे हैं तमाम जो मजदूर हैं वो खत्म हो रही है और उनके हालात बंद से बदतर हो रहे हैं हम उनके लिए यहाँ पर आवाज़ उठाने के लिए खड़े हैं कि मजदूर हमारे लिए रीढ़ की हड्डी की लेकिन अगर उनके साथ ऐसा होगा तो हमारा मुल्क यकीनी तौर पर मजीद गुरबती बन जाएगा हमारी बदकिस्मती है कि 70 साल के बाद जो कि वाकई पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का दर्द था उसकी हुकूमत को जिस तरीके से खत्म किया गया है वो सबके सामने है और अभी भी इंतहाई अफसोस का मकाम है लोगों की तरह हुकूमत से चुनते हुए हालांकि सारे हालात उनके सामने हैं काम उनके खिलाफ खड़ी है लेकिन ये लोग अपने जोर बाजू पर अपने ताकत की बलबूते पर इन सब चीज़ों को दबा रहे हैं तो देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माशाल्लाह इतनी मौसर है और इतनी खुलकर सामने आ चुकी है बल्कि आपकी 60 से 70% की आबादी जो है वो तहरीक इंसाफ में शामिल है तो वो अपना हक होना जानते हैं और हम हर हाल इस तरह हादसा करने के लिए हम निकलते हैं हमें आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी चाहिए पूरे होने वाले हैं क्या होगा देखिए हमारा काम है कि पुरअमन एहतजाज और बार बार अपने के लिए आवाज़ उठाना हम एहतजाज करते रहेंगे और हमें पूरा यकीन है कि जिस तरीके से हवा निकल रही है उसमें खान साहब को कुछ करने की जरूरत नहीं है हवा खुद हासिल करते रहेंगे